नमस्कार। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी के अलावा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, पुलिस मामलों को वापस लेने और लखीमपुर खीरी हिंसा में पीड़ितों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। और इसके लिए किसानों ने अम्बाला शंभू बॉर्डर, खनौदी जिंद और डबवारी बॉर्डर से दिल्ली आने की योजना भी बना ली है। हालांकि इस मामले पर किसान और सरकार के बीच देर रात तक बैठक भी चली, जिसका कोई नतीजा निकलकर नहीं आ पाया, जिसके बाद आज भारी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। किसानों की भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली से सटे बॉर्डरों को सील भी कर दिया गया है। घुसने से पहले ही किलेबंदी भी कर दी गई है। ट्रैफिक को लेकर भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसमें दिल्ली से अलग अलग रूट के लिए पुलिस ने एक दिन पहले ही सब बता दिया है। लेकिन ऐसे में करीब 4 साल पहले हुए किसान आंदोलन की बात की जाए तो एक नया पहलू हमें देखने को मिलता है। पिछले आंदोलन के बाद से किसानों के संगठन की संख्या बढ़ गई है। इसके पीछे कारण ये है कि किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद कई किसान संगठनों में असहमति हुई। पॉलिटिकल एम्बिशन समेत कई कारणों की वजह से विभाजन के साथ नए संगठन बनने के लिए अब देखा जा रहा है कि किसानों के संगठनों में जो बढ़ोतरी हो रही है। संयुक्त किसान मोर्चा अब अलग अलग संस्थाओं में बट चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिल्ली में, पंजाब में किसानों की एकता ने 2020-21 में दिल्ली के बाहरी इलाकों पर विरोध प्रदर्शन किया था। इससे बीजेपी सरकार पर 3 विवादास्पद कानूनों को वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया। इन कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद दिसंबर 2021 में किसानों के घर वापस लौटने पर एग्रीकल्चरल ग्रुप्स के बीच नए कॉम्बिनेशंस और डिविजन्स सामने आए। किसान संगठनों में डिसएग्रीमेंट्स भी बढ़ गए थे। इससे खुद ग्रुप्स के अंदर कई टुकड़े हो गए थे और अब एक्टिव फार्मर ऑर्गेनाइजेशन की संख्या बढ़कर लगभग 50 हो गई है। वहीं नवंबर 2020 में कानूनों को सामूहिक रूप से चुनौती देने के लिए एकजुट हुए 32 किसान संगठन तब थे। अब किसान संगठन आज विरोध प्रदर्शन के एक और दौर की तैयारी भी कर चुका है और इसी क्रम में उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच का ऐलान भी किया था। ये साफ हो गया है कि विभाजन बढ़ने से किसानों के बीच कई तरह का भ्रम भी पैदा हो सकता है। यानी अगर हम देखें तो किसानों की मांगे उनकी लोकेशंस पर निर्भर करती है। जहां एक तरफ पंजाब हरियाणा के किसानों की मांगे अलग हैं, तो वहीं बिहार और यूपी के किसान अलग अलग मांग चाहते हैं। ऐसा ही साउथ इंडिया के किसानों का है, जिन्होंने हमेशा अपनी अलग मांगों को सामने रखा है। हालांकि अभी इस प्रदर्शन में MSP मुख्य एजेंडा है। किसान आंदोलन, जिसमें शुरू में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 32 संघ शामिल थे, वो अब अलग अलग संस्थाओं में बट गया है, जैसे SKM पंजाब, SKM नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर 22 यूनियनों ने 25 दिसंबर 2021 को पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के इरादे से संयुक्त समाज मोर्चा का गठन किया था। बलबीर सिंह राजेवाल ने संयुक्त समाज मोर्चा का नेतृत्व एक्सेप्ट किया था। हालांकि पंजाब के 3 प्रमुख किसान संगठन BKU एकता सिद्धपुर और BKU एकता डंगोडा ने SSM में शामिल नहीं होने का फैसला किया था। हालांकि इसके गठन के कुछ समय बाद ही कई संगठन SSM से अलग भी होने लगे थे। जैसे ही चुनाव लड़ने के फैसले का उल्टा असर हुआ, SSM में घटकर 5 फार्मर ग्रुप ही रह गए थे। खैर, अभी देखना होगा कि बढ़ते संगठनों में किसानों की मांग को सामने रखा जाता है या फिर संगठन बनाने वाले इसमें अपने ही हित को खोज रहे हैं। आपका इस पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।